नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं, जो यात्रा है हमारा वो पहुंच चुका है अब आगरा। आगरा के बारे में अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और आगरा के सबसे प्रसिद्ध जो कि दुनिया भर में मशहूर है और ऐसा कहीं भी नहीं है, ताजमहल, जो कि वहां पे हम पहुंच चुके हैं। और ये देख सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप इन करेंगे और कैसे घूम सकते हैं, कैसे क्या क्या चीजें, सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आगरा ताजमहल के पूरा दृश्य आपको दिखाने वाले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो आप तो पहले आ चुके थे? जी जी, पहले आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा। हेलो भाई दोस्तों, अभी हम लोग दिल्ली से जो है कौन सा था हीरानंद नहीं हीराकुंड हीराकुंड एक्सप्रेस से अभी पहुंचे हुए हैं, और यहां से कुछ ही दूर पे जो है वो आपका ताजमहल अब दिखाई देगा। अभी इंटर कर रहे हैं मेन एंट्रेंस गेट में, जहां से आप इंटर कर सकते हैं। आगे हम दिखाते हैं आपको अंदर जाके, और एक से एक फोटो भी लेंगे, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। चश्मा वगैरह अगर आपको लेना है तो बाहर में आप ले सकते हैं, जो कि बाहर में ही मिलता है। कितना? 120 रुपया। 120 रुपये में आपको मिल जाएगा होटल वगैरह का सुविधा। जस्ट जो एंट्रेंस गेट है उसके सामने ही बहुत सारे होटल है, जहाँ पे खाने से पहले वहाँ मेन्यू देखें। खाना खाने से पहले मेन्यू देखें, क्योंकि हम लोग जो अभी खाना खाए हैं लगभग कितना 1000 का बन गया, 1000 का बिल बन गया, जिसमें से कुछ नहीं था, ब्रेकफास्ट ही था। तो बहुत ही महंगा है यहाँ खाना का। खाने के लिए आपको जो है ना अच्छे होटल में खाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो क्या बताऊँ आपको, देखते हैं जब आप मेन रोड से जब आप इन करेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, जो कि पीछे के लोकेशन से आप आएंगे। ये पीछे का लोकेशन है। एंट्री फी अभी तक तो कोई चार्जेबल नहीं लिया गया, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलेगा क्या है। हालांकि पता चल रहा है कि 50 रुपया जो है एंट्री फी है, और इसके साथ ही अगर आप अंदर जाते हैं, ताजमहल के अंदर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए 200 रुपीज है। और इसके साथ साथ अगर फॉरेन के कोई लोग हैं तो उनके लिए 1100 आई थिंक है। तो अभी अंदर जाके हम टिकट काउंटर में आपको दिखा देंगे और क्या क्या प्रोसीजर है। क्या है बोलो ना, इधर बोलो ना यार। पेटीज वगैरह भी इधर। अच्छा, पेटीज वगैरह देखिए यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है। आइसक्रीम भी मिलता है, तो खाने पीने का आपको यहाँ पेटीज सारी चीजें हैं। और ये जो ये भी है ना घूमने के लिए, देखिए यहाँ पे टोटो भी लगी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार भी है, जिससे आप बैठ के और पूरा ताजमहल घूम सकते हैं, क्योंकि काफी दूर है। तो इसमें जो है आपको चार्जेबल देना पड़ेगा, उसके बाद आप ये जो है इसमें बैठ के पूरा घूम सकते हैं। ये देखिए सारे लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, और ये हमारे हीरो नौजवान। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। पहला विजिट है? फर्स्ट विजिट। और देखिए यहाँ पे आपको बंदर भी मिलेंगे बहुत सारे। और ये है पूरा नज़ारा। अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर आपको जो है सिगरेट वगैरह तंबाकू वगैरह कुछ भी अंदर ले जाने के लिए अलाउड नहीं है। क्लॉक रूम है यहाँ पे यार? क्लॉक रूम नहीं है, तो आपको स्टेशन में ही रखना पड़ेगा बैग वगैरह अगर आप लेके आ रहे हैं, ट्रॉली वगैरह। आपको लॉकर भी मिल जाएगा, जो कि सामान वगैरह अगर आप लाते हैं, बैग वगैरह। तो ये जो आप सामने के लोकेशन में आएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर ताज की ओर जाएंगे और इधर आपको लॉकर वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। तो काफी कम दामों में आप सामान वगैरह रख के और फिर देन अंदर जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि वो भी आपको पैसा लेगा, एंड इलेक्ट्रिक कार से भी आप घूम सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपका टिकट मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। लाइन लगना पड़ेगा अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं, मतलब अपना पे करके लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बार दिया हुआ है, बार कोड देख सकते हैं। ये बार कोड को स्कैन करेंगे पेटीएम से, तो डायरेक्ट जो है वो आपको ले जाएगा पेमेंट मोड पे। वहाँ पे अपना डिटेल्स डालिएगा, जो लोग जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं उसका डिटेल्स डालने के बाद आपको पेमेंट कर देना। डायरेक्ट ये आपको टिकट मिल जाता है डिजिटल तौर पे, और नहीं तो फिर लाइन लगा के काफी इंतजार करना पड़ेगा, है ना भैया। तो यहाँ से आप, ये सबसे अच्छा है कि आप जो है टिकट यहीं से लें, स्कैन कर लें, क्योंकि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टिकट कैसे निकलेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए ये हमने ऑनलाइन किया है अपना 3 लोगों का, तो ये देखिए तीनों का आ चुका है पीडीएफ फाइल में, जिसको दिखा के ये बारकोड से फिर आप यहाँ पे उसी के सामने जो है आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं अंदर जाने के लिए, जो कि इसके अंदर यानी कि ताजमहल के अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। प्राइस जो है आपको 50 रुपीज पड़ता है, एंड अगर आप फॉरेन के हैं तो 200 समथिंग पड़ता है, एंड अगर आपको अंदर और घूमना है तो उसका अलग से चार्जेबल, जो कि अंदर दिया जाएगा, वो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ से टिकट मिल जाएगा ये सामने के लोकेशन से। तो अभी अंदर जाते और अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं। हालांकि बहुत ही ज्यादा भीड़ है, आप देखिए चारों तरफ अगर आप देखे ये है तो देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए हैं, काफी संख्या है। तो अभी अंदर चलते और आपको दिखाते हैं और भी चीजें। अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद देख सकते हैं ये जो मेन पॉइंट है
वहाँ पे आपको स्कैन कराना पड़ेगा जो आपका टिकट होगा, देन यहाँ पे चेक होता है, चेक होने के बाद आप अंदर आ सकते हैं। अंदर आने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ है, काफी भीड़ है, और भीड़ के साथ साथ में जो यहाँ का सिक्योरिटी चेकअप चेक इन के लिए जो दिया गया है उनका बिल्कुल भी ढीला है, मतलब अच्छे से वो चेक नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात की बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो उनको ज्यादा जो और भी बूथ बने हुए उसको ओपन करना चाहिए, लेकिन ओपन नहीं किया, काफी लंबा लाइन है और काफी देर के बाद अभी हम अंदर आ पाए हैं। अंदर आने के लिए आपको बता दें कि तंबाकू वगैरह या कोई भी सामान आपको अंदर खाने पीने का सामान भी अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाता है, वो सब कुछ बाहर ही रख लेता है। ये देख सकते हैं, ये है चेक इन पॉइंट जहाँ पे अभी चेक इन पॉइंट है, जहाँ पे चेक हो रहा है, काफी लंबा लाइन है, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। यहाँ पे आपका पूरा चेक होता है, देन आपको अंदर भेजा जाता है, लेकिन आपको चेक में देख सकते हैं तंबाकू वगैरह अगर आप लाते हैं या फिर बिस्किट वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पे रख लिया जाता है, वो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बैग वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं, फ्री सेवा है, ये जो शीशा वाला बना हुआ है इसी में बैग वगैरह आप रख सकते हैं, कोई पैसा उसमें कोई वो नहीं है। ये देखिए कितना भीड़ है, भीड़ काफी ज्यादा है, और ये मेन एंट्रेंस गेट है, जब अंदर आ जाएंगे उसके बाद यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। जो है अंदर टिकट वगैरह और चेक इन करके अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने के बाद आपको इस तरीके से नजर आएगा, जहाँ पे सामने की लोकेशन में मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ के बाद फिर ताजमहल अंदर है। तो ये भीड़ काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो जब कभी भी आप आते हैं आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप पहले आए, यानी कि आपको यहाँ पे टाइमिंग लग जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ होती है, उसकी वजह से आपको जो एक दो घंटा एंट्री लेने में ही टाइमिंग लग जाएगा, तो पहले आए और ऑनलाइन टिकट जरूर कटवा लें, क्योंकि लाइन लगेगा तो और दो घंटा आपका लेट होगा। एंट्रेंस गेट है जहाँ पे बहुत ही भयानक, ये गेट देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बनाया गया है और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। ये जो है ये देखिए, इसके बाद अंदर जब जाएंगे तो आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना यूनिक बनाया गया दोस्तों, ये देख सकते हैं, वाह वाह, बहुत ही भयानक है। गेट के बाद आप देख सकते हैं ताजमहल का पूरा दीदार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक है दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत है। और ये गेट जैसे ही आप इन करेंगे, ये जो मेन एंट्रेंस गेट है यहीं से आपको दिख जाएगा, देन ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप फोटोज वगैरह लेने का बहुत ही खूबसूरत है। अभी इसके अंदर भी चलेंगे, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, और भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे देखते देखते आपका जो है ना मन भर जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से फोटो लेने के बाद एक यूनिक नज़र आएगा, देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है यार, चारों तरफ लोगों की जनसंख्या देखिए कितना यूनिक लग रहा है, वाओ। तो ये है ताजमहल, ताजमहल पहुंच चुके हैं, जिसका दीदार करने के लिए बेसब्री से इंतजार था वो हमारे पीछे ही है, हालांकि सेल्फी कैमरा में आ नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हैं ये पीछे का ये पूरा ताजमहल है, जो कि यहाँ पे देखिए अभी सारे लोग जो है फोटो खिंचवाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि फोटो यहाँ से सही आता है, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से पूरा लोकेशन आएगा पीछे का ताजमहल का, और बहुत ही बेहतरीन दिखता है ये, अगर पीछे आप देखें तो देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। लेते हैं, ये आपका है, अभी चूंकि लाइटिंग है तो लाइट की वजह से जो है कैमरा हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है, और भीड़ के साथ साथ में यहाँ पे आपको फोटो के लिए मिल जाएगा, फोटोशॉप के लिए जो है कैमरा के साथ में, और अगर आप अपना मोबाइल वगैरह लाते हैं तो मोबाइल से भी खिंचा सकते हैं, लेकिन ये है पूरा दृश्य जो कि अद्भुत नज़ारा, हालांकि यहाँ से दूर है, अभी काफ़ी दूर है, लेकिन फोटोज लेने के लिए ये सबसे बेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो जब आप एंट्री लेंगे, देखिए जैसे ही एंट्री लेंगे और एंट्री से यहाँ पे आएंगे तो यहीं पे आपको फोटोज वगैरह के लिए मिल जाएगा, जो कि सामने के लोकेशन में ही पड़ता है, देन यहाँ से अंदर आप जा सकते हैं और फिर ताजमहल घूम सकते हैं। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या, हर लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, एक से एक आपको हमेशा भीड़ मिल जाएगा। तो ये यहाँ का खासियत है कि हमेशा ताजमहल में भीड़ रहती है। अभी हम आपको जो यहाँ का यमुना नदी क्रॉस हुआ है वो भी हम दिखाते हैं, और ये जो देख सकते हैं ये आपका ताजमहल का पूरा दृश्य, अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया, और किनारे किनारे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, और साथ में ये सामने के लोकेशन में ये ताजमहल, अभी अंदर ले चलकर आपको दिखाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पूरा नज़दीक, धीरे धीरे और भी नज़दीक जा रहे हैं, और ये आप सामने के लोकेशन में देख सकते हैं ताजमहल का दिलदार कर सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, हालांकि यहाँ पे जो आपको फॉरेन के लोग या फिर इंडिया के लोग या फिर अदर जो है कंट्री के लोग भी आपको मिल जाएंगे,
काफी संख्या में लोगों की जनसंख्या रहती है और काफी संख्या में लोग भी आते हैं और सारे लोग फोटो में ही बिजी हैं। कैसा लग रहा भाई? हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो भाई? बस ताजमहल के ठीक सामने एकदम खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से कैसा लग रहा है? खूबसूरत नजारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, एक अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ, अच्छी अच्छी चीजें यहाँ। फोटोज वगैरह लिए कि नहीं? बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आ रही है। वैसे भी मेरा फोन काफी अच्छा है। अच्छा, मैं सबको सजेस्ट करूंगा OnePlus का फोन लिया जाए। और कैसा लग रहा भाई? बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिव्य नजारा, रोमांचक नजारा, दिव्य नजारा है। जी जी। तो अभी नजदीक गए कि नहीं? जी, नजदीक गए कि नहीं? नहीं, नजदीक तो अभी नहीं गया, तो जो निकल चल रहा हूँ। हाँ, तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा नजारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बेहद ही। देखिए इधर बच्चों का टूर भी आया हुआ था, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का, उनको भी रोमांचक नजारा दिखाया जा रहा है अभी से। तो सारे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर कोई हो, देखिए स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह हैं ये सारे लोग। तो ये भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो ये है सबसे खासियत ताजमहल, जब भी आप आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ में यहाँ पे मज़ा आएगा कि आप लोगों की जनसंख्या भी देख सकते हैं और सारे लोग देखिए यहाँ पे एक से एक फ़ोटोज़ भी लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और हम तो यही बोलेंगे कि जब भी आपको मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर आइए ताजमहल, चूँकि यहाँ का लोकेशन इतना खूबसूरत है कि कहने लायक नहीं, बयान नहीं कर सकते। आप देखिए कितना भीड़ है, अगर हम चारों तरफ दिखाएं तो चारों तरफ लोगों की जनसंख्या ही जनसंख्या नज़र आएगी। इस साइड पे भी काफ़ी संख्या में लोग हैं और ये देखिए ये पूरा चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके, ये कितना ज़्यादा भीड़ है। इधर भी देखिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और ये मेन पॉइंट है जहाँ से आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं और देख सकते हैं ये पूरा जो लोकेशन है ये ताजमहल का। इसके ऊपर भी अभी हम जाएंगे और वहाँ भी दिखाएंगे आपको, फिर पीछे से देखिए कितनी जनसंख्या और कितने लोग हैं। एकदम बिल्कुल नज़दीक ये देखिए, ये लोकेशन है जो कि पीछे के लोकेशन में है ताजमहल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनहरा जो होता है यहाँ का मूवमेंट होता है, बहुत ही मज़ा आएगा जब आप आएंगे पहली बार तो। और पीछे के लोकेशन में देखिए पूरा बागवानी टाइप से बनाया गया, पूरा जो है डेकोरेट किया गया है, रात को लाइटिंग के साथ साथ में और भी बेहद खूबसूरत लगता है। और पीछे जो है पूरा वाइट वाइट आपको नज़र आएगा, वो भी चीज़ें आपको देखने को बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पे यमुना नदी है, वो भी हम आपको दिखा देंगे जहाँ से यमुना नदी का क्रॉस किया हुआ। और ये पीछे के लोकेशन में देखिए ये है ताजमहल का पूरा दृश्य जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे नीचे में जो है वो पानी वगैरह फ्लावर दिया हुआ है जो कि पानी से फुहारा वगैरह फेंकते ही रहता है। और पीछे के लोकेशन में देखिए यही है आपका ताजमहल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जिसके लिए 300 किलोमीटर से दूरी से हम आए हैं देखने के लिए, क्योंकि दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ जाता है। और दिल्ली से कैसे आएंगे इसके लिए हमने वीडियो बनाया, उसमें हमने आपको बताया कि आप जब भी आप आइएगा दिल्ली से तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सुबह का ट्रेन पकड़ें और फिर दोपहर में यहाँ तक घूम लें और फिर शाम को यहाँ से आप जा सकते हैं। तो जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है लोगों की और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पर जो है अभी धूप है, धूप की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन देखिए लोगों की जनसंख्या और कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है पीछे के लोकेशन में। आपने आज तक फ़ोटो में देखा होगा लेकिन अंदर जब आप देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है और ये पीछे नीचे जो है बारिश वगैरह पानी वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अंदर देखिए बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। कितना भयानक है देख सकते हैं, ये पूरा जो है आपको ताजमहल का ही है। पीछे के लोकेशन में अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको है जो कि ये मिल जाएगा। ये पूरा डायग्राम आगे का है और इस साइड पे देखिए ये आपका ताजमहल। और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको 200 रुपये परचेजिंग टिकट करना पड़ेगा, देन आप इसके अंदर जा सकते हैं। चलो जा रहे हैं। तो पूरा
जो ये लोकेशन है ये आपको ताजमहल में ही मिल जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। और ये पीछे का लोकेशन देखिए, जब आप इस साइड पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप इधर भी जो है फोटोज वगैरह ले सकते हैं। काफी संख्या में लोगों की जनसंख्या अगर आप चारों तरफ देखें तो देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि आए हुए हैं। तो यहाँ से भी आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं पीछे के गेट में, और जो है इसका गेट है जो कि बाहर निकलते हैं, एग्जिट पॉइंट है, और उसी के पीछे में आपको जो है ताजमहल मिल जाएगा। तो ये पूरा नजारा जो है जब आप ताजमहल आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के लिए हम सबसे अच्छा जो साधन है वो हमने आपको बताया कि सबसे अच्छा जो साधन है वो आपको यहाँ से नियरेस्ट जो है वो आपको आगरा कैंट में उतरना है, देन वहाँ से आप ऑटोज मिल जाएगा जो कि 20 रुपये आपको देना है ऑटो वाले को, और 20 रुपये दे के और फिर आगरा कैंट से और यहाँ पे आ सकते हैं, देन यहाँ पे आप घूम सकते हैं। 50 रुपये यहाँ पे और अगर ऑफलाइन में टिकट लेते हैं तो पड़ेगा, एंड अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 45 रुपये समथिंग देना पड़ेगा। तो 45 रुपये में आप आराम से ऑनलाइन, उसके लिए मैंने आपको बताया, उसके लिए क्या है कि आप करवा लें एंड फिर ऑनलाइन टिकट करवा के फिर आप आ सकते हैं और घूम सकते हैं। पूरा नज़ारा जो है यहाँ का बेहद ही खूबसूरत है, वो आप पूरा देख सकते हैं। तो ये ताजमहल का पूरा जानकारी था, और आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कैसा लगा और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप हमें कमेंट। यही जो है आपका ताजमहल पीछे की ओर पड़ जाएगा, और उसी के सामने जो है ये नदी जो है वो बही हुई है, जो कि ये है यमुना नदी। तो ये क्रॉस हुई है और यहीं से हुई है, और इसी के बगल में ताजमहल बनाया गया। ये आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर में से एक माना जाता है। और ताजमहल जो बनाया है ऐसा कहा जाता है कि जो इसको बनाया था वो दोबारा फिर वो जो मिस्त्री था उसको उसका हाथ काट दिया गया था ऐसा कहा जाता है। वो फिर दोबारा ये डुप्लीकेट कहीं भी आज तक इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में कहीं भी नहीं बना है। तो ये यूनिक है, बिल्कुल एक है, और ऐसा फिर अभी तक कहीं भी नहीं बना है। और ये देखिए पूरा पीछे का जो नज़ारा आपको दिख रहा होगा ये पूरा वही है ताजमहल है, जो कि चारों तरफ से आप घूम सकते हैं। और ये सामने के लोकेशन में देख सकते हैं ये जो है यमुना नदी इधर से क्रॉस हुई है, जो कि ये आगरा में मौजूद है, और आगरा में मौजूद है जहाँ पे आप आगरा स्टेशन में आगरा कैंट या फिर आगरा जो है फोर्ट में उतर के और देन फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं और फिर यहाँ पे घूम सकते हैं। 200 रुपया इसका चार्जेबल है अगर इस ताजमहल के अंदर जाएंगे तो, एंड अगर बाहर बाहर से घूमना है तो 50 रुपये चार्जेबल है, जो कि सारे पर्सन जो है वो कटा के आए हैं। तो ये पूरा जानकारी देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं।